गाइज, अगर आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखना चाहते हो और अगर आप उसमें मास्टरी हासिल करना चाह रहे हो और अभी आप कंफ्यूज हो कि हम कौन से टॉपिक सीखें, क्या सीखें, कैसे हम एंड्रॉयड डेवलपमेंट में मास्टरी हासिल कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। ये वीडियो बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में कंप्लीट एंड्रॉयड डेवलपमेंट रोड मैप के बारे में बात करूँगा, जिसमें मैं स्टार्ट कहाँ से करें, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करें। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं और मार्केट में बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके की चीज़ें बताते हैं, जिससे क्या होता है कि लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। इवन वो लोग ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं जो बिगनर हैं। जैसे मान लो मैं अभी कॉलेज में गया और हमें वहाँ पे बहुत सारे टर्म सुनाई देते हैं, वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग। इवन आजकल मशीन लर्निंग बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो वहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न आ जाती है। तो अब एक बंदा सोचता है कि भाई एंड्रॉयड डेवलपमेंट, एंड्रॉयड फ़ोन तो सबके पास है। अब एंड्रॉयड का बहुत ही ज़्यादा मार्केट डिमांड है, आप बहुत सारे वीडियोस भी देखते हो, उसमें भी एंड्रॉयड डेवलपमेंट की मार्केट डिमांड बताई जाती है। तो वो बंदा शुरू करना चाहता है एंड्रॉयड डेवलपमेंट, बट वो थोड़ा सा कन्फ्यूज रहता है कि भाई हम जावा सीखें, कोटलिन सीखें, कि फ्लटर सीखें, रिएक्ट सीखें। तो ये सारी चीज़ें कन्फ्यूज़न में दूर करने वाला हूँ। आज मैं कंप्लीट बात करूँगा, इवन वो चीज़ भी बात करूँगा जो बहुत सारे लोग, मैक्सिमम 90% लोग नहीं बात करते हैं, वो ऐसी चीज़ जिसको सीख करके आप मास्टरी हासिल कर सकते हो। अगर आपने वो चीज़ नहीं की तो आप चाहे जितना पढ़ लोगे तो आप वो चीज़ नहीं समझ पाओगे, प्रैक्टिकली नहीं, मास्टर नहीं बन पाओगे, मैं सिंपली यहाँ पे बोलना चाहूँगा। तो वो चीज़ मैं लास्ट में बताऊँगा, बट पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि इस वीडियो में मैं क्या बात करूँगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बात करूँगा पूरा एंड्रॉयड रोड मैप। मैं बताऊँगा कि बेसिकली कौन कौन से टॉपिक्स आप पढ़ो, कौन कौन से टॉपिक्स एंड्रॉयड में कवर करो, कौन कौन से टॉपिक्स आप जावा में कवर करो, कौन कौन से टॉपिक्स अगर आप कोटलिन सीख रहे हो तो उसमें कवर करो, कौन कौन से इवन प्रोजेक्ट्स क्रिएट करो अगर आप लर्न कर रहे हो चीज़ों। तो ये वीडियो बिगनर्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, साथ ही साथ में अगर आप इंटरमीडिएट हो एंड्रॉयड में और अगर आप सीख रहे हो तो आप ये वीडियो देख करके ये समझ सकते हो कि कहीं कोई पोर्शन थोड़ा सा छूट तो नहीं गया, क्योंकि मैं यहाँ पे कंप्लीट बात करूँगा, सारी चीज़ें बात करूँगा, सारे कंपोनेंट्स एंड्रॉयड की बात करूँगा, यहाँ पे एक एक मतलब एक एक चीज़ बात करूँगा। ऐसा नहीं कि मैंने ऊपर से बता दिया कि आप यहाँ से पढ़ लो, यूट्यूब से पढ़ लो, इडमी से पढ़ लो, यहाँ से पढ़ लो। मैं एक एक टॉपिक बात करूँगा, अंदर घुस के बात करूँगा और ये मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड होगा। मैंने बहुत सारे एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग की है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को बनाए हैं, तो वहाँ से मैंने सारी चीज़ें पॉइंट्स निकाले हुए हैं एंड इवन इतना एक्सपीरियंस है तो वहाँ से चीज़ें निकल के आई हैं एंड कहीं से मैंने रिसोर्सेज भी कलेक्ट किया बहुत सारे जगह से, तो वहाँ भी चीज़ें वहाँ से निकल के आई हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें मैं पूरा एंड्रॉयड रोड मैप कवर करने वाला हूँ अलॉन्ग विद टॉपिक्स एंड प्रोजेक्ट्स, कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आपको बनाने चाहिए। तो ये वीडियो सबके लिए होना, आपको सपोर्ट करना, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़ सके और हम ऐसे ही वीडियोस बनाते रहें। आपको अपना नाम कमेंट सेक्शन में बताना है और आपको नेक्स्ट रोड मैप किसका चाहिए बताना है, इवन टॉपिक्स के साथ, प्रोजेक्ट्स के साथ। पहले से मैं ऑलरेडी जावा का रोड मैप बना चुका हूँ और भी बहुत सारे वीडियोस चैनल पे हैं, तो एक बार जाके जरूर चेकआउट करिए और कमेंट सेक्शन में अपना नाम, आप कहाँ से हो ये लिख के जरूर मुझे सपोर्ट करिए। चलते हैं, अब हम लोग बात करते हैं एंड्रॉयड रोड मैप और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए एंड्रॉयड डेवलपमेंट को सीखते वक्त। तो गाइस चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना एंड्रॉयड रोड मैप। बट इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक थोड़ा सा मोटिवेशनल चीज़ बताऊँगा या थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहूँगा। गाइज, अगर आप सोच लेते हो कि भाई मुझे ये चीज़ करनी है तो आप आँख बंद करके वो चीज़ स्टार्ट कर दो। आप खुद को एक्सक्यूज़ देना बंद कर दो, मतलब आप ये मत सोचो कि यार कल से कर लेंगे, परसों से कर लेंगे, नर्सों से कर लेंगे। तो आप ऐसे ही परसों आ जाएगा तब ये सोचोगे फिर से कल से कर देंगे, फिर वो वाला दिन आ जाएगा तो आप फिर से ऐसे सोचते रहोगे और आपका दिन टलता रहेगा। तो आप अपनी बातों को टालो मत। आप क्या करो, आपने अगर सोच लिया है कोई भी काम करने का तो आप काम को स्टार्ट करो। जो भी दिक्कतें आएंगी, जो भी अड़चनें आएंगी, उनको क्या कर सकते हो, अपने खुद से सॉल्व करोगे, इंटरनेट से देखोगे, यहाँ से देखोगे, वहाँ से देखोगे और फिर वो जर्नी आप निकाल ले जाओगे, मतलब आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच जाओगे। लेकिन आप खुद सोचो यार, आप अगर अपने आप से नहीं करोगे, दैट मीन्स स्टार्ट ही नहीं करोगे, तो फिर एंड कहाँ होगा। तो मैं सिंपली कहूँगा कि आप कहीं से भी चीज़ें सीखना स्टार्ट कर दो, दैट्स इट। अगर आप स्टार्ट कर दोगे तो आप फिनिश भी कर लोगे, ये मेरा सिंपल सा सजेशन है। अब बिना किसी टाइम को वेस्ट किए चलिए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट रोड मैप और हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगा प्री रिक्विजिट कि भैया, प्री रिक्विजिट मैं यहाँ पे नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, प्री रिक्विजिट बात कर रहा हूँ यहाँ पे क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। हार्डवेयर मतलब आप लड़ने जा रहे हो और आपके पास अगर टूल नहीं है डिजिक डिजिक लड़ने का, तो आप फिर वहाँ पे मात खा जाओगे, ठीक है। मतलब सामने वाले के पास तलवार भी है, बंदूक भी है, सारी चीज़ है, तो दिक्कत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो आपके पास भी टूल होना चाहिए, तलवार होनी चाहिए कि भैया हम भी उड़ा देंगे। आप सब्जी काट रहे हो तो वहाँ पे आपका चाकू होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्री रिक्विजिट है वो क्या है भाई, आपका आपके पास या तो लैपटॉप हो या पीसी हो।
आपके पास लैपटॉप हो या पीसी हो। अगर आपके पास इसमें से लैपटॉप नहीं या पीसी नहीं है तो आप अपने फ्रेंड के सिस्टम से नहीं सीख सकते। अब आप लोग कहोगे कि भाई फ्रेंड के सिस्टम से क्यों नहीं सीख सकता, तो मैं सिंपल सा बताऊंगा कि फ्रेंड के सिस्टम आपका वो अपना पर्सनल सिस्टम नहीं है, और वो कितने दिन के लिए दे देगा आपको। भाई आपका बहुत अच्छा है तो 10 15 20 1 महीने के लिए दे देगा, तब भी आप उसको अपने हिसाब से कॉन्फिगर थोड़ी ना कर सकते हो। क्या पता वो मूवी देख रहा हो आप कुछ और, उसी समय आपको एंड्रॉयड सीखना है, तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मेरा सिंपल सा चॉइस है और मतलब मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप कहीं से भी एक लैपटॉप जुगाड़ कर लो और एक या तो एक पीसी जुगाड़ कर लो, ऐसा नहीं दोनों, एक आपको चाहिए यहाँ पे। तो एक लैपटॉप और पीसी सबसे मतलब प्री रिक्विजिट है, अगर आपके पास ये नहीं है तो थोड़ा सा मुश्किल होगी। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर लैपटॉप और पीसी हो तो उसका कॉन्फिग्रेशन कितना होना चाहिए। भाई 50 GB का मैं रैम होना चाहिए, भाई 50 GB रैम कैसे ले पाएंगे, इतना महंगा था। ठीक है, तो मैं बताऊंगा एंड्रॉयड डेवलपमेंट थोड़ा सा हैवी, मतलब एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए थोड़ा सा हैवी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। मैं पर्सनली बता रहा हूँ हैवी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। नॉर्मल सिस्टम पे चलाओगे तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट आप नहीं सीख पाओगे, और अगर बहुत ज़्यादा कोशिश भी कर लोगे तो सिंपल सा सिर्फ हेलो वर्ल्ड चला पाओगे या फिर कोई सिंपल सा एप्लीकेशन चला पाओगे, उसके बाद खुद से आप बोर होने लगोगे। तो रिकमेंडेड जो है बेसिकली सिंपल सी बात है, रिकमेंडेड 8 GB रैम है, 256 GB SSD है। मतलब रिकमेंडेड का मतलब मैक्सिमम लोग कहते हैं, तो अगर आपके पास 8 GB रैम है, 256 GB SSD है, तो आपका काम हो सकता है। बट मेरा सजेशन है कि आप पीसी लो, सबसे पहले चीज मैं सजेस्ट करूंगा पीसी लो। मेरे पास कंप्यूटर जो है वो पीसी है, मैं हमेशा डेवलपमेंट या फिर कोई भी चीज़ सीखता हूँ, एंड्रॉयड डेवलपमेंट या कोई मशीन लर्निंग का कोई मॉडल ट्रेन कर रहा हूँ, तो उसके लिए अपना पीसी यूज़ करता हूँ, डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज़ करता हूँ, ना कि अपना लैपटॉप यूज़ करता हूँ। लैपटॉप हल्का सा स्लो होता है, मैं हल्का नहीं कहूँगा ज़्यादा कहूँगा स्लो होता है, सेम कॉन्फिग्रेशन होगी तब भी वो डेस्कटॉप के मुकाबले हल्का सा स्लो चलेगा। तो मैं हमेशा, मेरी रिकमेंडेशन ये है, मेरा सजेशन ये है कि आप पीसी लो। अगर आप कॉन्फिगर कराने जा रहे हो तो आप पीसी खरीदो जिसमें 16 GB रैम होनी चाहिए एंड 500 GB कम से कम हार्ड डिस्क होनी चाहिए। 500 GB हार्ड डिस्क में बताऊंगा मेरा मतलब रीजन होता है कि भाई अगर आप चीज़ें ले रहे हो तो स्टोर भी तो करोगे कुछ ना कुछ, ऐसा थोड़ी ना अगर 200 GB SSD चाहिए तो सिर्फ आप 200 GB ही ले लोगे तो दिक्कत हो जाएगी वहाँ पे। ठीक है, तो मेरा सजेशन है कि कम से कम 500 GB या 512 जितने भी उस रेंज की, 512 GB हार्ड डिस्क है तो आप 512 GB SSD लो, जिससे रीडिंग और राइटिंग ऑपरेशन आपका अच्छे से परफॉर्म हो सके, स्पीड में परफॉर्म हो सके। यहाँ पर आपका हार्ड डिस्क भी चल सकता है, अगर आप नॉर्मल हार्ड डिस्क है तब भी चल जाएगा, कोई इतना इशू नहीं आएगा। अगर आप 16 GB अगर हार्ड डिस्क है, ठीक है, तो यहाँ पे GB कर देंगे हम लोग, GB। ठीक है, GB हार्ड डिस्क है तो आई थिंक समझ पा रहे होगे, 8 GB है तब भी चल जाएगा, बट मैं नहीं रिकमेंड करता हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा झेल चुका हूँ। आप क्या करते हो, स्टार्टिंग में तो एक जोश होता है कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखना है। मेरे पास सिस्टम था, 8 GB रैम थी उसमें, और उसमें 1 TB हार्ड डिस्क थी, एंड देन उसमें मैं जावा भी करता था, और फिर एंड्रॉयड डेवलपमेंट, एंड्रॉयड स्टूडियो जैसे स्टार्ट मतलब उस पर इंस्टॉल किया, एंड देन एमुलेटर भी उसी पे चलाना होता है भाई, तो उसमें काफ़ी दिक्कत हो जाती है। देन बाद में आप जुगाड़ करोगे कि एमुलेटर जो एप्लीकेशन रन करोगे अपने फ़ोन में रन करोगे, एमुलेटर नहीं चलाओगे, देन उसमें मतलब इतना खिचड़ी पक जाता है। जैसे मान लो आज कोई चीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, सारा सेटअप कॉन्फिग्रेशन कर लिया, देन कल को फिर से वही मोबाइल कनेक्ट करो, तमाम चीज़ करो, बहुत ज़्यादा बोरिंग लगने लगता है 2 4 दिन बाद। तो मैं सिंपली सी बात कहूँगा कि भाई आप पीसी ले लो, 16 GB मेमोरी हो, रैम हो थोड़े 16 GB रैम हो, 512 GB हार्ड डिस्क हो, एंड आप क्या करो सिंपल सा थोड़ा बहुत जुगाड़ कर लो। अगर वो है आपके पास, क्या नाम है, ग्राफिक कार्ड, तो वो भी अच्छा है। अदरवाइज मैं रिकमेंड करूँगा, अदरवाइज आप 8 GB भी चला सकते हो, बट थोड़ा रोग आके चलेगा। तो आई थिंक मेरी बात समझ गए होगे, अब आप अपने हिसाब से चीज़ें एडजस्ट कर सकते हो। अगर आप 16 GB आपके पास रैम है, 512 GB SSD है, ग्राफिक कार्ड भी है, तो एकदम मक्खन जैसा चलेगा, मक्खन जैसे एप्लीकेशंस बनाओगे एंड मक्खन की तरह उसको लोग उसे कंज्यूम भी करेंगे। ठीक है, चले अब बात करते हैं लैंग्वेजेस कौन सी आनी चाहिए। तो यहाँ पे लैंग्वेजेस बहुत सारी कन्फ्यूजन है मार्केट में, अगर आप 10 चीज़ देखोगे, 10 चीज़ देखोगे मार्केट में, 10 लोग 10 तरह के लोग बताएंगे। जिसको रिएक्ट आती होगी वो कहेगा रिएक्ट नेटिव सीख लो, जिसको फ्लटर जिसको डार्ट आती होगी वो फ्लटर सीख लो, जिसको जावा कोडलिन आती होगी वो कहेगा भैया कोडलिन और जावा से एप्लीकेशन डेवलप कर लो। बट यहाँ सिंपल सा मैं कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगा कि आपके पास दो ऑप्शन है, जावा कोटलिन। तो मैं कहूंगा अगर आप बिगनर हो, गो फॉर जावा एंड कोटलिन। सबसे पहले आप नेटिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखो, जावा और कोटलिन को यूज करके सीखो, देन आप जाओ भैया फ्लटर व्लटर पे, ठीक है, हाइब्रिड पे बाद में जाओ। पहले आप, मेरी सजेशन ऐसा है, आप कुछ भी कर सकते हो, करने वाले कुछ भी कर देते हैं, ठीक है, उन जावा एंड कोटलिन वो नहीं सीखेंगे, वो डायरेक्ट फ्लटर सीख लेंगे। करने वाले तो मतलब मार्स पे भी पहुंच गए, ठीक है, करने वाले तो मतलब पहुंचने वाले तो आप चांद भी पहुंचे, चांद पे भी पहुंच गए, और पहुंचने वाले तो मार्स पे भी पहुंच गए, ठीक है, लेकिन हम और आप नहीं पहुंच सकते ना, तो हम लोग जो चीज ग्रैप्स कर सकते हैं वही चीज करेंगे। तो सिंपल सा बात है भाई, ज्यादा इछल कूद मत बचाओ, सिंपल सा क्या करो, आप जावा सीखो एंड कोटलिन सीखो। इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है, तो मैं मान रहा हूं, क्योंकि
क्योंकि अभी आप बिगिनर हो, मैं एक बिगिनर के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, ठीक है? आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, या आपको कुछ नहीं आती है, आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट की तरफ मूव कर रहे हो, उस पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, ठीक है? और अगर आप कुछ ज़्यादा ही टैलेंटेड हो, देन आप फ्लटर एंड रिएक्ट नेटिव स्टार्टिंग में सीख सकते हो, ठीक है? चले, अब यहाँ कन्फ्यूजन आती है कि जावा से स्टार्ट करें या कोटलिन से स्टार्ट करें, तो मैं फिर से बताऊंगा कोटलिन बहुत ही, क्योंकि गूगल इसे सपोर्ट कर रहा है, तो कोटलिन ऑफिशियल लैंग्वेज है एंड्रॉयड की, एंड थोड़ा सा ये पॉपुलर भी होगी आगे चल के, ठीक है? क्योंकि इसके पास वो फीचर्स हैं जो जावा के पास नहीं, कुछ फीचर्स ऐड किए गए हैं जावा से अच्छे हैं, तो अभी से बात कोटलिन कह सकते हैं एंड्रॉयड के लिए अच्छी लैंग्वेज है। बट अगर आप बिगिनर हो फिर भी, तो मैं कहूँगा आप जावा से स्टार्ट करो। पहली चीज़, जब आप जावा सीखते हो तो आपके पास बहुत सारे डोमेन ओपन हो जाते हैं, आप स्प्रिंग बूट वगैरह भी सीख सकते हो, एंड उधर सर्वर साइड प्रोग्रामिंग में भी जा सकते हो, एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीख सकते हो, क्योंकि भाई एक बार सीख लोगे को समय आ जाता है। जैसे मान लो अभी आप किसी कंपनी में गए, उसने कहा भाई मुझे सर्वर साइड पर काम करना है, मतलब एक मुझे बैकएंड का इंजीनियर चाहिए, तो अगर आप जावा सीखे रहोगे, थोड़ा बहुत भी काम करे रहोगे, तो भैया 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख का पैकेज आपके हाथ से नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं होगा, मतलब एकदम जीरो जीरो बटा सन्नाटा, अगर ऐसा होगा तब वहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए थोड़ा बहुत नॉलेज लो, जावा सीखोगे तो जावा से ऊप सीखोगे, इंटरव्यू में हेल्प होंगी आपकी, इंटरव्यू में आप बता पाओगे चीज़ें, और जावा बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ होती है एज अ बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्प्रिंग बूट वगैरह यूज़ होती है, तो वहाँ भी आपके चांसेस ओपन हो जाते हैं। तो मैं सिंपल से कहूँगा कि भाई अगर आप स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो या मास्टरी हासिल करने की कोशिश कर रहे हो, देन गो फॉर जावा। आप जावा से सीखते जाओगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा। बट यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप जावा ही चूज़ करो। अगर आपको थोड़े बहुत जावा आती है, आपको उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, देन यू कैन गो फॉर कोटलिन। बट अगर आपको नहीं आती है जावा एकदम ही, तो आप जावा के कॉन्सेप्ट्स को पहले सीखो, मुश्किल से हार्डली 10 से 15 दिन लगेगा अगर आप नए हो तो, उतनी जावा सीखने जितनी एंड्रॉयड के लिए ज़रूरत है। तो मैं कहूँगा सबसे पहले आप जावा के बेसिक्स क्लियर हो, देन गो फॉर कोटलिन। लेकिन कोटलिन से करना ज़रूरी हो गया आजकल, मतलब लेटेस्ट में बात करूँ तो कोटलिन से ज़रूरी हो गया एंड्रॉयड डेवलपमेंट, मतलब ज़रूरी का मतलब एंड्रॉयड मतलब कोटलिन ही ठीक है, अब मैं तो कहूँगा ऐसा, ठीक है? बट जावा से भी आप कर सकते हो, एंड इफ़ यू आर बिगिनर गो फॉर जावा एंड देन मूव टू कोटलिन। तो मैं ये कहूँगा आप कोटलिन से डायरेक्ट मत स्टार्ट करो, जावा सीखो देन मूव टू कोटलिन, कोटलिन पे आप सिर्फ स्विच कर जाओ, अभी मैं आपको चीज़ें बताऊँगा, ठीक है? तो मैं कहूँगा इफ़ यू आर अ बिगिनर लर्न जावा फर्स्ट, अगर आप बिगिनर हो तो जावा सबसे पहले आपको सीखनी चाहिए चीज़ों को समझने के लिए, एंड ज़्यादा पकड़ मतलब बेस न्यू मजबूत करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, जावा के वो कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं जिससे सीखा जाए एंड्रॉयड के लिए, तो मैं यहाँ पे टॉपिक्स भी बताना चाहूँगा। सबसे पहले जावा बेसिक्स आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जावा वो बेसिक्स में आपके वेरिएबल्स हो गए, टाइप कास्टिंग हो गए, तमाम तरीके की चीज़ें बेसिक्स में, आप जाके गूगल कर सकते हो कि जावा बेसिक्स में क्या क्या आती हैं। ऊप्स कॉन्सेप्ट मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड देन पैकेजेस कैसे बनाते हैं, पैकेजेस के अंदर कोई क्लास रखी है तो पब्लिक है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है, एंड देन उसको कैसे यूज़ करते हैं, कॉल कैसे करते हैं, इंपोर्ट कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें आपको एकदम मतलब मक्खन जैसा आना चाहिए, तभी आप काम कर पाओगे। कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या होता है, उसके अंदर कौन सी क्लासेस है, कौन सा इंटरफेसेस है, कौन सी उसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास है, कैसे इटरेट करते हैं, फॉर ईच एंड तमाम तरीके, लैम्डा वैम्डा सब चीज़ आनी चाहिए, एक्सेप्शन हैंडलिंग आनी चाहिए, मल्टी थ्रेडिंग आनी चाहिए, एंड यू मस्ट हैव बेसिक प्रोग्रामिंग नॉलेज। आपके पास बेसिक प्रोग्रामिंग नॉलेज होनी चाहिए, यू मस्ट हैव बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स सो दैट यू कैन बिल्ड लॉजिक बेस्ड एप्लीकेशन। तो जब ये सब कर रहे हो तो मेक श्योर आप प्रैक्टिस ही अच्छे से करो, आपके पास प्रोग्रामिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, आप किसी अगर प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर लेते हो तो ये साइन है कि आप एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन, लॉजिक बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हो, खुद के लॉजिक डेवलप कर सकते हो। तो कोशिश करो आपके पास बेसिक स्किल होनी चाहिए जिसकी हेल्प से आप लॉजिक्स को डेवलप कर सको, तो आप सोच भी पाओगे। आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता है, थोड़ा सा आपने सोच लिया कि अच्छा यहाँ से फाइल को रीड करते हैं, यहाँ पे फाइल को राइट करते हैं, यहाँ से हम भाई ज़्यादा बढ़िया होगा कि अगर हम प्रॉपर्टीज़ फाइल यहाँ यूज़ कर लें, क्योंकि की वैल्यू पेयर हम वहाँ रख सकते हैं, तो अगर हम यूज़र नेम, पासवर्ड, URL ये सब चीज़ हम प्रॉपर्टीज़ फाइल में रख लें, या YML फाइल हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो ऐसा करके आप सोच सकते हो, आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी डेवलपर के लिए, चाहे वो एंड्रॉयड डेवलपर हो, बैकएंड डेवलपर हो, चाहे फ्रंट एंड डेवलपर हो, किसी के लिए चाहिए। मैं तो कहूँगा भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगर आप कोटलिन मतलब जावा के बाद कोटलिन सीखते हो तो क्या क्या टॉपिक्स मतलब ज़रूरी होंगे। सबसे पहले वेयर एंड वैल डिक्लेयरिंग वेरिएबल आप सीख लो, नल सेफ सीख लो, लैम्डा फंक्शन सीख लो, हायर ऑर्डर फंक्शन सीख लो, इनम क्लासेस सीख लो, एंड कीवर्ड्स जैसे लेट, रन, अप्लाई, लेट इनिट, लेजी, ये सारे कीवर्ड्स सीख लोगे। फंक्शंस लाइक फिल्टर, मैप, ऐसे करके कलेक्शन बनाने के लिए बहुत सारी फंक्शंस हैं, स्ट्रिंग के बहुत सारे फंक्शंस हैं, वो सब आप गूगल करके सीख लो। देन क्रिएटिंग कलेक्शन इन कोटलिन, कोटलिन में कैसे कलेक्शंस बनाते हैं,
जावा वाले कलेक्शन, बट यहाँ पे बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाए, अलग हो जाएगा। देन सीड क्लासेस क्या होती हैं, कंपेनियन ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, एंड सारा रिवाइज कर लो ऊप्स के कॉन्सेप्ट यूजिंग कोटलिन। तो जो आपने जावा में उधर कॉन्सेप्ट पढ़े थे, तो इधर आप उनको रिवाइज कर लो कि वो कॉन्सेप्ट आप कोटलिन में कैसे यूज कर सकते हो। तो ये सारे टॉपिक्स मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कर दिए हैं कि जावा में इतनी सारी चीज़ सीख लो, देन आप इतना सीख लो अगर कोटलिन में, तो आपका काम हो जाएगा, आप कोटलिन भी प्रिपेयर हो जाएगी आपकी। ठीक है, आप ध्यान से देखोगे जावा जिन्होंने सीखी होगी उसको यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। क्या फायदा मिलेगा आप ध्यान से देखो, आपको ये फायदा मिलेगा कि भाई यू विल फाइंड वेरी इजी टू लर्न कोटलिन इफ यू नो जावा। अगर आपको जावा आती है तो आपको कोटलिन बहुत आसान लगेगी। यही थोड़ा सा डिफरेंस कवर अप करने के लिए हम लोग ने जावा सीखा था अभी। क्यों क्यों भाई, हम कोटलिन में डायरेक्टली बेस्ट करें, हम जावा सीखें, कोटलिन भी समझ में आ जाएगी और साथ ही साथ में जावा की चीज़ें भी हमें समझ में आ जाएगी। नहीं बहुत ज़्यादा आएगा, बट कुछ क्रॉस क्वेश्चन हो गया, इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप अच्छे से समझ पाओगे। आपको पता होगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन क्या होता है, तभी आप नल सेफ समझ पाओगे मुझे लगता है। तो मुझे लगता है एटलीस्ट उतना जावा सीखो, देन इतना कोटलिन सीखो, देन आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट पे मूव करो। अभी तक भाई हम लोगों ने एंड्रॉयड की यहाँ कुछ बात नहीं की, अब चलते हैं एंड्रॉयड की यहाँ पे बात करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब आ जाता है अबाउट एंड्रॉयड स्टूडियो। आपको आपको एंड्रॉयड स्टूडियो के बारे में कुछ चीज़ें सीखनी है, जैसे एंड्रॉयड को कैसे इंस्टॉल करना है, रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज की डायरेक्टरी क्या है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रोजेक्ट कैसे बनता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ग्रेडल मैनेजमेंट टूल क्या होता है, डिपेंडेंसी कैसे मैनेज होती है, और ग्रेडल अगर नई डिपेंडेंसी लगानी है तो ग्रेडल में हम कैसे लगा के बिल्ड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ सीखना होता है। एंड इम्पॉर्टेंट, एंड्रॉयड स्टूडियो शॉर्टकट। यहाँ ये पॉइंट, मैंने बहुत सारे रोड मैप देखे, मैं भी यूट्यूब बहुत ज़्यादा देखता रहता हूँ, तो कभी ये कोई नहीं बताता कि एंड्रॉयड स्टूडियो के शॉर्टकट सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन मैं तो कहूँगा कोई भी आप IDE यूज़ कर रहे हो तो उसके शॉर्टकट सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब लोग कहेंगे क्यों, मैं कहूँगा भाई बार बार आप राइट क्लिक करके कॉपी करोगे अगर, तो आप एक दिन कर लोगे, दो दिन कर लोगे, फिर चौथे दिन से खुद से बोरिंग फील होने लगेगी, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट आपका कम हो जाएगा। इससे बढ़िया आप कंट्रोल सी अगर आपको आता है, आपको पता है कंट्रोल डी से डुप्लीकेट होता है, तो बार बार कॉपी पेस्ट करोगे भैया कब तक कर लोगे, तो उससे एक मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक दिमाग में मेंटेलिटी मतलब एक थका टाइप का, भैया कॉपी पेस्ट बार बार करना पड़ा तो क्यों ना हम कंट्रोल डी कर लें फटाक से। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ें कहीं ना कहीं क्या कर देती हैं, आपको एक थोड़ा सा डिसइंटरेस्ट पैदा कर देती हैं। तो अगर शॉर्टकट पता है तो फटाफट काम करोगे, जो काम आप 5 मिनट में करना है वो 2 मिनट में कर लोगे। तो ज़रूर से आप गूगल पे जाएं, एंड्रॉयड स्टूडियो शॉर्टकट्स ज़रूर से वहाँ पे लिखें और देखें कि क्या क्या शॉर्टकट्स हैं, कम से कम 5-10 शॉर्टकट्स यूज़ कर लें, लिख लें कॉपी पे, और उसको क्या करें आगे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें और उसी को यूज करना स्टार्ट करें। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या और भी क्या क्या चीजें हो सकती हैं हम लोग सीख सकते हैं एंड्रॉइड में मास्टरी हासिल करने के लिए। बहुत सारी चीजें हम लोग ने सीखी, थोड़ा वीडियो लंबा है, बट आप कोई वीडियो जरूर से अच्छा लगेगा अगर आप चीजें सीखना चाहते हो। तो गाइस यहाँ पे आपको इम्यूलेटर के बारे में सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा इम्यूलेटर क्या होता है, उसको कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे चलाना है, और हमारी एप्लीकेशन जो होंगी वो इम्यूलेटर पे चलेंगी। तो आप फर्स्ट प्रोग्राम करके और फर्स्ट एंड्रॉयड एप्लीकेशन करके और अपने इम्यूलेटर के बारे में भी थोड़ा बहुत सीख लो, जिससे आपको पता हो जाए कौन कौन से तरीके हैं जिसकी हेल्प से आप लोग एंड्रॉयड ऐप्स को रन करके टेस्ट कर सकते हो। जैसे अगर आपके पास रैम कम है तो आप इम्यूलेटर मत यूज़ करो, आप अपना यहाँ पे फ़ोन यूज़ कर सकते हो काम करने के लिए। इसी फ़ोन पे आप अपने एप्लीकेशन को चला सकते हो डायरेक्टली USB डिबगिंग वगैरह ऑन करके, USB से कनेक्ट करके। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अपने रिसोर्सेस को बेस्ट यूटिलाइज करने के लिए। अदरवाइज होगा कि आपका रैम कम है और आप क्या करोगे, अपने कंप्यूटर में इम्यूलेटर भी चला दोगे तो आपका सिस्टम स्लो हो जाएगा और आप बैठे मतलब ऐसे करोगे 10 मिनट में एक चीज़ चलेगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। अब आगे बढ़ते हैं, एंड्रॉयड कंपोनेंट्स को सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आप एंड्रॉयड में मास्टरी हासिल करना चाह रहे हो। जैसे एक्टिविटी क्या होती है और उसकी लाइफ साइकिल क्या है, उसको कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए किस किस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप एक्टिविटी के बारे में सीख लो पूरा कंप्लीट। सर्विसेज क्या होती हैं, सर्विसेज का क्या यूज़ है, सर्विसेज को प्रैक्टिकली कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्या होता है, एंड कंटेंट प्रोवाइडर क्या होते हैं, ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके बारे में सारी नॉलेज देख लो, अगर आप फ्री यूट्यूब पे देख रहे हो तो आप पर्टिकुलरली टॉपिक्स को सर्च कर करके सीखो। एक बंदा सारी चीज़ नहीं कवर कर देता, बट हाँ मल्टीपल लोग पढ़ा रहे हैं तो आपको कन्फ्यूजन थोड़ा क्रिएट हो सकती है कि ये क्या पढ़ा रहा है, ये क्या पढ़ा रहा है, बट आपको आप कंटेंट पूरा कवर कर सकते हो अगर आप एक एक चीज़ सर्च करके गूगल से पढ़ते हो तो, एंड्रॉयड के डॉक्यूमेंटेशन वगैरह से पढ़ते हो, कोई अच्छे वेबसाइट्स हैं, नाम तो मैं यहाँ नहीं लूँगा कोई वेबसाइट का, बट हाँ बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स फ्री में भी अवेलेबल हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरी टिप है आपको फॉलो करना, प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ लर्निंग। यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैं सच बता रहा हूँ कि वो पढ़ा तो देंगे, सब चीज़ समझा भी अच्छे से देंगे, बट उनका तरीका थोड़ा सा थ्योरेटिकल होता है। PPT लाएंगे, बना के पढ़ा देंगे, ठीक है, आप वो
परफेक्ट है अपनी जगह पे। जब तक बंदे को कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तब तक वो चीज़ नहीं कर पाएगा। तो आपने बना दिया नाउ, अब आपकी प्रैक्टिकल की बारी है कि एक्टिविटी को कैसे इंप्लीमेंट करना है, सर्विसेज को कैसे यूज़ करना है, एंड ब्रॉडकास्ट रिसीवर को कैसे यूज़ करना है, कोई इवेंट फायर अप हो रहा है तो उसको कैसे रिसीव करना है, कॉन्टेंट प्रोवाइडर कैसे हमें कॉन्टेक्ट्स मिल रहे हैं हमारे एंड्रॉयड ऐप्स के, एक ऐप कैसे कॉन्टेंट को प्रोवाइड कर रहा है, ये सब चीज़ आपको प्रैक्टिकली सीखनी होगी तभी आप सीख पाओगे। देन मेन यूआई कंपोनेंट्स की बारी आती है। तो ये जो कंपोनेंट्स बताने जा रहा हूँ उसमें तो आपको मास्टरी हासिल करनी ही करनी है, एंड एज पर योर नीड आपको और भी कंपोनेंट्स सर्च करके यूज़ करने हैं जो आजकल लेटेस्ट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, चले इसमें बात करते हैं। विजेट्स में जैसे बटन हो गया, सब लोग नॉर्मल पढ़ना ही पढ़ना है, टेक्स्ट व्यू पढ़ना ही पढ़ना है, इमेज व्यू पढ़ना ही पढ़ना है, प्रोग्रेस बार पढ़ना ही पढ़ना है, एडिट टेक्स्ट पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो इतने कंपोनेंट्स बेसिक कंपोनेंट्स हैं, इनको बोलेंगे बेसिक कंपोनेंट्स हैं, इनको पढ़ लो सारी चीज़ें सीख लो। कोई नया कंपोनेंट भी आ जाए आपके पास तो कैसे यूज़ करना है ये चीज़ भी आप सीख लो। ऐसा ना हो कि भाई यही कंपोनेंट सीख लिया, ये रट लिया, बात खत्म, गलत चीज़ है। ये कोई लर्निंग अप्रोच नहीं है। लर्निंग अप्रोच का मतलब है कि ये चीज़ सीख लो, इसी के जैसा कुछ और भी आ जाए तो उसको भी आप सॉल्व कर सको। ठीक है, तो कोई नया कंपोनेंट भी आ गया तो आपको पता होना चाहिए प्रॉपर्टी जैसे यूज़ करते हैं, ये ऐसे यूज़ करते हैं, तो उसमें भी वही लॉजिक लगाओ। ठीक है, अब लेआउट्स में जैसे कंस्ट्रेंट लेआउट है, लीनियर लेआउट है, फ्रेम लेआउट है, रिलेटिव लेआउट है, ग्रिड लेआउट है, ये सारे लेआउट्स क्या हैं भाई, किस लिए यूज होते हैं, इनको प्रैक्टिकल यूज़ करो, देखो कि भैया कैसे कंपोनेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं ये सब चीज़। ठीक है, अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग आप डिज़ाइंस बना के देखो, परफेक्ट तरीका आप परफेक्ट कौन सा आपके आपके डिज़ाइन के लिए कौन सा लेआउट बेस्ट सूटेड है, ये सब चीज़ आप परफेक्ट देखो। इंटेंट में इम्प्लिसिट इंटेंट क्या होता है, एक्सप्लिसिट इंटेंट क्या होता है, इंटेंट फिल्टर्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ आप पूरा फिनिश कर लो, परफेक्ट है। देन उसके बाद अगर आपको एडवांस ईवाई कंपोनेंट्स की बात करूँ तो जैसे रिसाइकलर व्यू है, स्पिनर है, नेविगेशन बार है, बॉटम नेविगेशन है, अलर्ट डायलॉग है, व्यू पेजर है, टोस्ट है, डेट टाइम पिकर है, टोस्ट एंड स्नैक बार है, स्नैक बार है। ठीक है, इसी तरह फ्रेगमेंट्स के बारे में आप सीख लो। तो ये सारे क्या आपके एडवांस कंपोनेंट्स है, जो मैंने टॉपिक्स लिखे हैं इनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। एक तरीका मैं यहाँ पे सिलेबस टाइप का बता रहा हूँ कि ये चीज़ सीख लो, देन इसमें से कहीं से आपके इंटरव्यू से कहीं इंटरव्यू में कहीं से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, या आपको कोई ऐप मिल गया उसमें ये सारे कंपोनेंट्स यूज़ होंगे, या इससे सिमिलर मिलते जुलते कंपोनेंट्स यूज़ होंगे। हो सकता है कि रिसाइकलर व्यू कोई दूसरे टाइप का हो, बट होगा तो रिसाइकलर व्यू ही, व्यू पेजर हो सकता है कोई टेढ़ा मेढ़ा डिजाइनर आ जाए, बट होगा तो व्यू पेजर ही। टोस्ट हो सकता है इधर कटापटा आ जाए, इधर सर राउंडेड आता है तो कलर चेंज हो जाए, ये हो जाए, ऊपर दिख जाए, टॉप दिख जाए, इधर दिख जाए, बट होगा तो वो टोस्ट ही। फ्रेगमेंट्स के बारे में सीख लो कि बिना हम लोग एंड एक्टिविटी को यूज़ करके कैसे हम स्क्रीन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह और भी कुछ यूजफुल लाइब्रेरी सीख लो। जैसे आपने टोस्ट सीखा तो एक टोस्टी नाम की लाइब्रेरी है। ठीक है, इसी तरह आपने इमेज व्यू लगाना सीखा तो आपके पास एक सर्कुलर इमेज व्यू कैसे लगाते हैं, प्रोफाइल बनाना सीखा तो आप डायगोनल कैसे प्रोफाइल में कटआउट मार सकते हो, ये सब चीज़ आप अपने दिमाग से सीखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, क्योंकि लर्निंग स्किल आईटी इंडस्ट्री का यही रूल है कि भाई अगर आप लर्निंग स्किल आपकी अच्छी नहीं है तो आप पैकेजेस अच्छे डे बाय डे चीज़ें टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है आप वहीं पर रह जाओगे तो आप पीछे रह जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें स्टोरेज की, तो स्टोरेज आपको सीखना है तो बेसिकली दो तरह के स्टोरेज हैं, या कह सकते हैं दो तरीके हो सकते हैं, और भी तरीके होते हैं बट दो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक लोकल स्टोरेज होता है जिसको हम लोग एसक्यूएलआईटी डेटाबेस यूज़ करते मतलब कहते हैं। तो एंड्रॉयड आपके सिस्टम में एक लोकल डेटाबेस देता है एसक्यूएलआईट, तो आप इसको यूज़ करो, इसमें क्रड ऑपरेशन परफॉर्म करो, क्रिएट करना सीखो डेटाबेस में, एंड देन रीड करना सीखो, अपडेट करना सीखो, डिलीट करना सीखो, कैसे हम लोग कर सकते हैं। देन आपके पास एक फायरबेस डेटाबेस है, फायरबेस स्टोरेज है आप ऑनलाइन, तो गूगल की सर्विस उसको यूज़ करना सीखो, फायरबेस की लाइब्रेरी कैसे यूज़ करना है, क्या होता है रियल टाइम डेटाबेस, क्या होता है फायर स्टोर, इमेजेस को कैसे स्टोर करते हैं, ऑथेंटिकेशन कैसे यूज़ करते हैं, गूगल ऑथेंटिकेशन कैसे यूज़ करते हैं, फ़ोन से ऑथेंटिकेशन कैसे करते हैं, ये सब चीज़ आप सीखो, प्रैक्टिकल यूज़ करो। ठीक है, देन आप अपनी खुद क्रिएट योर ओन बैकएंड सर्विस, आप अपनी बैकएंड सर्विस अलग से बनाओ, अपनी खुद की बनाओ, एंड उसमें आप PHP को यूज़ करके सर्विस बनाओ, MySQL डेटाबेस यूज़ करो, उस सर्विस को आप कॉल करो। तो यहाँ पे नेटवर्क भी आप यूज़ करो, लाइब्रेरीज जैसे आप वोली API यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं एंड्रॉयड जेट पैक की, तो यहाँ पे बहुत सारे एडवांस कंपोनेंट्स हैं, उनको सीखो कि उनका कैसे यूज़ है। ठीक है, जैसे रूम क्या है, लाइव डेटा क्या है, व्यू मॉडल क्या है, डेटा बाइंडिंग क्या है, वर्क मैनेजर क्या है, पेजिंग क्या है, लाइफ साइकिल क्या है, नेविगेशन कंपोनेंट्स क्या है। ठीक है, इन सारे कंपोनेंट्स को आप सीखो एंड एक्सप्लोर करो। वीडियो ऑलरेडी लंबी हो रही है तो मैं थोड़ा यहाँ पे चल रहा हूँ आगे। ठीक है, टेस्टिंग में जैसे JUnit टेस्टिंग क्या है, एस्प्रेसो क्या है, ठीक है, गिट के कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपको प्रोजेक्ट के वर्जन कंट्रोल करना है, प्रोजेक्ट के वर्जन कंट्रोल करना है तो गिट इनिट क्या होता है, क्लोन क्या होता है,
ऐड क्या होता है, कमिट क्या होता है, पुश क्या होता है, ब्रांच क्या होता है एंड मर्ज क्या होता है, ये एटलीस्ट कम से कम ये चीज़ सीख ही लो कि भैया कभी ज़रूरत पड़े तो आप उसको क्लोन कर लो या आप खुद कमिट कर लो, खुद ऐड कर लो, ये सब क्या होता है इसके बारे में आप कंप्लीट डिटेल नॉलेज ले लो, इतनी सारी चीज़ें कम से कम ले ही लो। देन बात करते हैं, अब आपका काम हो गया, अगर आपने सीख लिया तो अब डिप्लॉयमेंट सीखो, कैसे हम लोग बिल्ड करेंगे एपीके को, डीबग कैसे करते हैं, साइंड एपीके क्या होता है, वर्जन्स क्या होते हैं, वर्जन क्या होता है, जब ये सारा भी आपने सीख लिया देन अब आपके पास एप्लीकेशन होगा तो आप हाउ टू अपलोड योर एप्स टू प्ले स्टोर, आप जो आपने लर्निंग के वक्त एप्स बनाए हैं उसको आप प्ले स्टोर पर कैसे अपलोड करोगे। अभी यहाँ पे आप रुकोगे नहीं, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप काम करते जाओगे आपकी ज़रूरतें बढ़ती जाएंगी। जैसे आपने कोई प्ले ऐप बना लिया, उसको प्ले स्टोर पर डाल दिया, तो आप जैसे ही यूज़र आने लगेंगे तो आप खुद दिमाग में आने लगेगा कि यार चलो अब ऐड लगाते हैं, तो आप खुद ऐड लगाना सीखो, आप ये चीज़ करना सीखो, वो चीज़ करना सीखो, अपडेट देना सीखो, ठीक है? तो ऐसा करके आपकी चीज़ें बढ़ती जाएंगी। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि जो कोई नहीं बात करता, मैंने बहुत सारे यहाँ पे रोड मैप्स देखे हैं, बहुत सारे देखे हैं, तो उन्होंने प्रोजेक्ट के बारे में कहीं बात ही नहीं की, बट मैं यहाँ बताऊँगा डेवलप प्रोजेक्ट्स ड्यूरिंग लर्निंग, जब आप चीज़ें सीख रहे हो तो उस समय प्रोजेक्ट बना बना के चीज़ें सीखो। ये गलती अगर आप कर दोगे तो आप कभी नहीं चीज़ें सीख पाओगे, दैट मीन्स अगर ये गलती, ये चीज़ आप नहीं करोगे, मतलब ये वाली गलती कर दोगे, ये चीज़ नहीं करोगे तो आप नहीं सीख सकते, क्योंकि एंड्रॉयड सीख किस लिए रहे हो भाई, ऐप्स को ही तो डेवलप करने के लिए सीख रहे हो, ऐप ही नहीं डेवलप करोगे तो दिक्कत कहाँ, दिक्कत हो जाएगी फिर तो। आया समझ में? कितना भी आप थ्योरी सीख लो लेकिन ऐप्स नहीं डेवलप करोगे तो आप रिज्यूमे में क्या रखोगे, कैसे एक्सपीरियंस आएगा, कैसे ऐप्स बनाने में चीज़ें समझ में आएंगी सर, कैसे आप कंपोनेंट जो यूज़ किए उनकी प्रैक्टिस होगी। तो ऐप्स जरूर से बनाओ जब आप ये चीज़ें सीख रहे हो, जैसे हम लोग जब चीज़ें सिखाते हैं तो आपको बताते हैं कैसे यूनिट कन्वर्टर ऐप बनाएं, कैसे टू डू मैनेजर ऐप बनाएं, कैसे टिक टैक टो ऐप गेम बनाएं, स्नेक गेम कैसे बनाएं, ठीक है, स्नेक गेम कैसे बनाएं, म्यूजिक प्लेयर कैसे बनाएं, फेक कॉलर एप्लीकेशन कैसे बनाएं, सोशल मीडिया एप्लीकेशन कैसे बनाएं, कॉलेज स्टूडेंट कम्युनिकेशन ऐप कैसे बनाएं, टाइम टेबल ऐप कैसे बनाएं, कलर गेसिंग गेम, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्लेयर, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ई लर्निंग एप्लीकेशन, तो ये सारे जो एक फंडामेंटल्स ऐप हैं, जैसे बोल सकते हैं कि इतने सारे अगर आप ऐप बना लोगे खुद से तो ये सारे ऐप्स आप सीवी में डाल सकते हो, अपने गिट हब रिपोजिटरी पे क्या कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो, वहाँ पे आपने अपनी सीवी में चीज़ें डाल सकते हो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ये सारे ऐप्स बना लोगे लर्निंग के वक्त ही, अगर आप चीज़ें सीख रहे हो उसी समय अगर आप कर लोगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप एक्सपर्ट बन जाओगे भाई। इतने ऐप देख रहे हो ना सामने, अगर आप इतने ऐप कंप्लीट कर लोगे ना तो आपकी जॉब कहीं ना कहीं लग जाएगी, आई थिंक समझ में आ रहा है। तो ये सामने लिस्ट मैंने दे दी है कि कम से कम इतने, मैं तो कहूँगा कम से कम आप 10-12 ऐप तो जरूर से बनाओ, जो बेसिक ऐप हैं, टू डू ऐप, उससे एक बेसिक आइडिया होगा कैसे सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, देन उन्हीं ऐप्स को आप अपलोड करना सीखो। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, इससे आगे मैंने कुछ नहीं रखा, सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, कुछ आइडिया भी मैंने दिया कि इस तरीके से ऐप, इस तरीके, ये तरीके वाले ऐप आप बनाओ जब आप उस समय सीख रहे हो एप्लीकेशन, देन आप जब आप सीख लो देन आप अपने आपके दिमाग में कोई बिजनेस है तो वो इंप्लीमेंटेशन कर सकते हो, या आप फ्रीलैंसिंग से प्रोजेक्ट उठा सकते हो, या किसी इतना सारा काम करने के बाद किसी भी कंपनी में अप्लाई करोगे आपका 100% हो जाएगा, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करो, ठीक है? और अगर आप इतना सारा आप कॉलेज के वक्त कर लेते हो देन यू विल बी अ हीरो, मैं गारंटी देता हूँ यू विल बी अ हीरो। तो आई थिंक ये वीडियो इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो आप कमेंट सेक्शन में ये वीडियो कैसे लगी, आपको कंटेंट कैसा लगा आप जरूर बताइए, अगर आपको और भी इस तरह की वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम, आप कहाँ से हो जरूर से बताओ, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो ला रहता हूँ। चलते हैं और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग, तब तक लिए स्टे होम स्टे सेफ, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।